कूलर वाला गाना था, और जो अभी जो सॉन्ग आया है वो काफ़ी अच्छा है, ट्रेंड पे भी चल रहा है, तो अच्छा है कि ट्रेंड पे चल रहा है और चले भी। सारे सिंगरों का गाना जब चलता है तो प्राउड फील होता है। एंड देखा मैंने, और यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे भोजपुरी के स्टार बॉलीवुड में एंट्री करके बहुत ही अच्छा काम किए हैं और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। नमस्कार, मैं नीजू, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हां, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं, और आज पहली बार भाई साहब कैमरे पे ना पकड़ा हूं गिरी को। जी हां, यानी कि पल्लवी गिरी को, और आज ही कर रहे हैं गिरी गिरी मिल के ना रंगदारी, पूरा यूट्यूब पर बवाल मचा रखी है। तो पहले उनसे बात करेंगे चटपटे स्टाइल में, लेकिन पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है गिरी जी। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। बढ़िया बानी, बढ़िया बानी, आपन बताई। हम तो चकाचक बा, तू एकदम गाना देख ले बानी, तुहार एकदम बुलेट पे एकदम धूमधाम करा था। नहीं देख ले, नहीं कर हुआ, बहुत बढ़िया है? हम अभी तक नहीं की देख ले। मैम, गाना बवाल, बुलेट एकदम रंगदारी, क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलूँ, मैं खुद को देख के ऐसा फील आ रहा था कि मैं लड़का क्यों नहीं हूँ, बट फिर भी अच्छा है कि लड़की होकर लड़कों वाला लुक आ रहा है। हम लोग रंगदारी कर रहे हैं, मार रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। अंकुश भैया से, अंकुश भैया के तो हालांकि कुछ हुआ नहीं है। नहीं, हम लोग मारा नहीं है, मतलब रंगदारी दिखाया है कि लड़का लोग क्या करता है, अब लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, तो बस। शूटिंग में कितना मज़ा आया था? बहुत मज़ा आया था शूटिंग में, तो हम लोग काफ़ी इंजॉय किए, और हालांकि थोड़ा सा चोट भी लग गया था मुझे उस टाइम, काफ़ी इंजॉय किए थे हम लोग, इंजॉय करके किए थे। बुलेट से गिर गए थे क्या? नहीं, शूटिंग के दौरान थोड़ा बहुत लग गया था। अच्छा। कितना कंबाइन हो अंकुश राजा जी के साथ डांस करना, मैच करना, क्योंकि दोनों भाई बहुत अच्छा नाचते हैं, और आप तो खुद नाचते ही हो। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा डांस करता है लोग, और प्रैक्टिस हमारे जब पीछे जो हैं कोरियोग्राफर, वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, और हम लोग से मेहनत हम लोग खुद करते हैं, वो लोग कराते हैं, तो सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है, कोरियोग्राफर सर का, कि मतलब स्टेप कराना, स्टेप देना, तो बस और कुछ नहीं। नीलम गिरी जी नज़र आ रही हैं साथ में? हाँ, साथ में नीलम दी हैं, मैं हूँ, और दोनों भाई तो हैं ही, तो चारों मिलके रंगदारी दिखाए हैं दोनों भाई को। गाना एकदम भूचाल मच रहा है। जो जो फैंस नहीं सुने हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे इस बारे के बारे में, इस गाने के बारे में? अगर जो नहीं सुना है तो जल्दी जल्दी सुन लीजिए, और देखने के बाद तो घर में बंद हो जाइएगा, क्योंकि अब जो लड़कियां निकलेंगी रंगदारी में निकलेंगी। मैडम, अभी हाल ही में आपने पटना में ही शूट किया, और मैं पटना में हूँ, खेसारी लाल यादव के साथ आपने गाना शूट किया था, और खेसारी भैया का ही गाना एक रिलीज हुआ, तेरे मेरे दरमियान, क्या कहना चाहेंगे? गाना काफ़ी अच्छा है, वो तो सीजनली है, जो हमारा जो मैंने किया था कूलर वाला गाना था, और जो अभी जो सॉन्ग आया है वो काफ़ी अच्छा है, ट्रेंड पे भी चल रहा है, तो अच्छा है कि ट्रेंड पे चल रहा है और चले भी। सारे सिंगरों का गाना जब चलता है तो प्राउड फील होता है कि हमारे बिहार का मतलब नाम ऊपर जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा है, और अच्छा करे। पवन भैया का भी गाना जो करंट है वो एकदम, देखा क्या आपने? हाँ, मैंने देखा, करंट देखा मैंने, और यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे भोजपुरी के स्टार बॉलीवुड में एंट्री करके बहुत ही अच्छा काम किए हैं, और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। ट्रेंडिंग में कभी खेसारी भैया आगे, कभी पवन भैया पीछे, तो क्या मैसेज है? मैसेज कोई नहीं है, सब लोग अपने अपने जगह पर मेहनत कर रहा है, और अच्छा भी लगता है कभी वो कभी वो, तो दोनों भाई हैं, भाई भाई की तरह है, तो इसमें कोई कंपटीशन की बात नहीं है, वो अपने जगह पे, वो अपने जगह पे हैं, वो थोड़ा सा पहले है, ये थोड़ा सा बाद में है, लेकिन जब जिसका ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चलता है तो वो थोड़ा सा आगे रहता है, तो ऊपर नीचे होता ही रहता है हर किसी में। और कौन कौन से गाने खेसारी भैया के साथ आप लेके आने वाले हैं? नहीं, अभी तो मैंने एक ही किया है। और कोई करने का प्लान पवन भैया के साथ कुछ? प्लानिंग तो चल रही है, प्लानिंग तो चल रही है। क्या कहना चाहेंगे जो आपके फैंस, जो आपके प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, क्या मैसेज? मेरे फैन मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी उन लोग से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि जब कमेंट जब पढ़ती हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं हमेशा रिप्लाई देती हूँ, कोशिश करती हूँ, तो दिल से धन्यवाद उनको, और ये प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे मेरे ऊपर और सबके ऊपर भी। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। तो ये थी जी गिरी जी, जिन्होंने बता दिया कि भैया प्यार और दुलार, और इनका इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना फटाफट, और ऐसे ही खबरों के लिए आप इस चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।